तो चलिए स्टूडेंट, फाइनली आज हमारे पास जो है M4R5 यानी कि IoT का जो पेपर है आपका इंटरनेट ऑफ थिंग्स का, 23 अगस्त के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, 23 अगस्त का पेपर का एनालिसिस और डिस्कशन हम लोग करेंगे, उसके सोल्यूशंस आपको प्रोवाइड करेंगे। तो वीडियो को लाइक से जरूर कर दीजिए, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन सही समय पर मिलती रहे। और हम डेली आपके लिए जो है यहाँ पे सोल्यूशन कर रहे हैं, तो सारी वीडियोज़ यहाँ पे अवेलेबल हैं। वीडियो के सेक्शन में जाके आप सारे आंसर कीज यहाँ पे देख सकते हैं। 19, 20, 21, 22 के जो पेपर हुए हैं सभी आंसर कीज यहाँ पे अवेलेबल हैं। और सभी प्लेलिस्ट में भी मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, प्लेलिस्ट में जाके 30-40 वीडियोस आपके पास अवेलेबल हैं। इजीली आप वहाँ से एस ग्रेड या ए ग्रेड तो इजीली आप ला सकते हैं। तो ये देखिए M4 की वीडियो अवेलेबल है, और ये है हमारी M3 की, M2 और M1, ठीक है। इसमें जितनी वीडियोज़ हैं सबको एक एक दो दो बार देख लीजिएगा, 100% आपका एस ग्रेड आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज का जो IoT का क्वेश्चन पेपर आया, हार्ड भी था डिफिकल्ट भी था, दोनों प्रकार के क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं। तो किसी एक दिन पेपर हार्ड नॉलेज आपका बना रहा है, ठीक है, जिसमें से 30-40 क्वेश्चन हार्ड नहीं है, वो आपका लैंग्वेज को चेंज कर दे रहे हैं, ऑप्शन भी उसी प्रकार से, यानी कि थ्योरी बेस्ड वो क्वेश्चन बना रहे हैं, ठीक है, ना कि कोई बहुत ज़्यादा ईजी फुल फॉर्म बेस्ड। लेकिन आज का जो पेपर है उसमें काफ़ी ज़्यादा फुल फॉर्म्स आपके पूछे गए हैं, तो देखते हैं। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ SOA? सबसे पहले उन सभी बच्चों को थैंक यू बोलेंगे जो बच्चे क्वेश्चंस को शेयर करते हैं, क्योंकि बहुत से बच्चे मैसेज करते हैं कि सर हमें तो क्वेश्चन याद ही नहीं है, भूल गए हैं। तो 100 में से 100 क्वेश्चन अगर आप भूल जा रहे हैं तो आपकी मेमोरी इस समय बहुत वीक है। कम से कम आपको कुछ तो क्वेश्चन याद होने चाहिए, और कम से कम 5-10 क्वेश्चन आप इजली जो है शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, ठीक है। तो SOA का फुल फॉर्म पूछा गया है, सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर। क्या होता है? सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर, ठीक है। नेक्स्ट है, फिंगरप्रिंट सेंसर जो होता है वो यूज़ करता है कौन सा इंटरफेस? UART प्रोटोकॉल। कौन सा प्रोटोकॉल? UART प्रोटोकॉल आपका जो है फिंगरप्रिंट सेंसर यूज़ करता है, ठीक है। व्हाट डज P प्रीफर टू इन 80 मेगा 328 P में? जो ये P होता है इसका मतलब क्या होता है? 80 मेगा जो आपका आर्डुइनो की डिवाइस है, इसको बोलते हैं पीको पावर। क्या बोलते हैं? पीको पावर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, विद रेस्पेक्ट टू द बॉडी लैंग्वेज दी हैंड शेक कन्वे दी कंसिडर्ड इज फिर्म। क्या बोलते हैं उसको? फिर्म बोलते हैं, ठीक है। आपका हैंड शेक जो होता है कन्वे करता है कंसिडर्ड एज ए फिर्म। इसमें 4-5 ऑप्शन होंगे, सारे ऑप्शन तो मेरे पास नहीं अवेलेबल हैं, लेकिन हम इसका आंसर आपको बता दे रहे हैं, फिर्म इसमें ऑप्शन बनेगा। कम्युनिकेशन इज ए नॉन स्टॉप प्रोसेस होता है। कम्युनिकेशन क्या है? बातचीत यानी वार्तालाप आपका क्या है? एक प्रकार का प्रोसेस है जो कि नॉन स्टॉप चलता है, ठीक है, तो प्रोसेस इसमें ऑप्शन बनेगा। अब ड्रेस कोड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, हमारा जो ड्रेस कोड होता है वो नॉन वर्बल में आता है, ठीक है। एक ऑप्शन आपको मिला होगा वहाँ पे वर्बल, एक मिला होगा नॉन वर्बल में, और एक मिला होगा बोथ में, ठीक है, ए ऑफ बी, और एक होगा ऑल ऑफ दी या नन ऑफ दी अबव में ऑप्शन होगा, ठीक है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन सही आएगा नॉन वर्बल होगा, ठीक है। जब भी ड्रेस कोड पूछा जाए तो नॉन वर्बल में इसको हम लोग काउंट करते हैं। व्हाट इज दी फुल फॉर्म ऑफ GSN का फुल फॉर्म पूछा गया है, ग्लोबल सेंसर नेटवर्क। क्या होता है? ग्लोबल सेंसर नेटवर्क, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, लेटर और आपके ईमेल है टेलीफोन आर एग्जांपल ऑफ मोड ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। किसके एग्जांपल है? आपका ईमेल भेजना या फिर लेटर भेजना या फिर टेलीफोन, ये सारे आपके क्या माध्यम है? मोड ऑफ कम्युनिकेशन के माध्यम है, जिसके माध्यम से आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं, लेटर के माध्यम से, ईमेल और टेलीफोन के माध्यम से। व्हाट इज पाइप लाइनिंग? देखिए इसका भी क्वेश्चन आपका इस बार पूछ लिया गया, तो पाइप लाइनिंग आपकी नॉन लीनियर होती है या फिर लीनियर होती है? तो पाइप लाइनिंग आपकी लीनियर होती है, ठीक है, तो लीनियर ऑप्शन इसमें बनेगा। ऑप्शन मैंने इसमें अपने तरफ से ऐड किए हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HDLC? HDLC का फुल फॉर्म है हाई लेवल डेटा लिंक प्रोटोकॉल। देखिए नायलट आपके फुल फॉर्म जो है नायलट काफ़ी पूछ रहा है, क्योंकि इससे क्या होता है 5 से 10 क्वेश्चन फुल फॉर्म के मिल जाएंगे तो पेपर थोड़ा सा इजी बन जाता है, ठीक है। लेकिन हर बार रिपीटेड क्वेश्चन नहीं है, हर बार नया एक फुल फॉर्म नॉलेज आपसे पूछ रहा है। तो हाई लेवल डेटा लिंक कंट्रोल, हाई लेवल डेटा लिंक कंट्रोल, और ये ऑल इंडिया के पेपर है हर एक स्टेट से, यानी कि UP, ठीक है, आपके MP, ठीक है, और आपके बिहार, और हर जगह के जो है पेपर हमारे पास आते हैं। तो हो सकता है पेपर आपके क्वेश्चन अलग हो,
आपके जो भी क्वेश्चन पेपर है आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ PIP? तो PIP का फुल फॉर्म होता है, देखिए दो इसमें ऑप्शन बनेंगे, एक तो बनेगा प्रीफर्ड इंस्टॉलर प्रोग्राम, ठीक है, दूसरा बन सकता है PIP इंस्टॉल पैकेजेस, ठीक है, दोनों में से कोई ऑप्शन दिखेगा तो दोनों ही के जो फुल फॉर्म है आपके PIP के बनेंगे, पिप इंस्टॉल पैकेजेस या फिर प्रीफर्ड इंस्टॉलर प्रोग्राम, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ MQ 135? MQ 135 आपका क्या है, एक सेंसर है, एक प्रकार का सेंसर होता है, ठीक है। नेक्स्ट पर्सनल कंप्यूटर का यूज़, पर्सनल कंप्यूटर यूजेज यानी कि पर्सनल कंप्यूटर जो आपके PC होते हैं वो क्या यूज़ करते हैं, माइक्रो प्रोसेसर चिप्स, ठीक है, इसको कि हम लोग बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर चिप्स हमको, जिसको कि आपका प्रोसेसर भी बोलते हैं, जो इंटेल और आपके AMD के होते हैं, ठीक है, राइजन वगैरह के, वो होते हैं माइक्रो प्रोसेसर चिप। व्हाट आर दी पाइपलाइनिंग स्टेजेस इंक्लूड? पाइपलाइनिंग में जो प्रोसेस होता है वो स्टेज क्या होता है, सबसे पहले फेच होता है डेटा, डिकोड होता है, फिर राइट होता है, फेच डिकोड और फिर राइट, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन आया है, देखिए नया क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IDE? IDE का फुल फॉर्म पूछ लिया गया, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट, ठीक है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PWM? PWM का फुल फॉर्म होता है पल्स विद मॉड्यूलेशन, पल्स विद मॉड्यूलेशन, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है और रिपीटेड है। डीसी मोटर इज ए, डीसी मोटर आपका होती है एक्वेटर, एक्यूटेटर और आपके डेट जो बेसिकली एक्यूएटर होते हैं आपके, जो कि कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी में, ठीक है, कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी में। नेक्स्ट है फाइबर ऑप्टिक आपके जो होते हैं वो वायर्ड होते हैं, ठीक है, फाइबर ऑप्टिकल कोई आपके वायरलेस टेक्नोलॉजी नहीं है, वायरलेस में आपका वाईफाई वगैरह आते हैं, ठीक है, तो इसमें वायर टेक्नोलॉजी होगी, ठीक है, और सबसे फास्ट और रिलायबल और कॉस्ट इफेक्टिव होती है। उसके बाद देखिए पूछा गया है इसमें एम्पावर IoT बाय ब्रिंगिंग टुगेदर एवरी ऑब्जेक्ट कनेक्टिविटी, ठीक है, एम्पावर IoT ब्रिंगिंग टुगेदर एवरी डे ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो किसके माध्यम से होते हैं आपके, कनेक्टिविटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया इन IoT एज वन ऑफ द की करेक्टरिस्टिक डिवाइसेस हैव डिफरेंट हार्डवेयर प्लेटफॉर्म एंड नेटवर्क, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन आपका हेटेरोजेनेटी, ठीक है, इस प्रकार से आप बोल सकते हैं हेटेरोजेनेटी, ठीक है, इस प्रकार से होगा, एक प्लेटफॉर्म है जो आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्डवेयर प्लेटफॉर्म एज ए नेटवर्क इसको हम यूज़ करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये, शायद मेरे मन से पूछा भी गया है एक बार। IoT डिवाइसेस आर नेचुरली वर्नेबल और थ्रेड सिक्योरिटी थ्रेड, क्या हो जाएगा, सिक्योरिटी थ्रेड। देखिए ये इसी प्रकार के क्वेश्चन अब आपको हार्ड लग रहे होंगे क्योंकि ये नए क्वेश्चन हैं, एक बार अभी तक नहीं पूछे गए हैं। ITS का फुल फॉर्म देखिए पूछा गया है, ITS हो गया है आपका इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज। ग्लोबल सेंसर नेटवर्क इज बिल्ड फॉर, ग्लोबल सेंसर नेटवर्क आपके बिल्ड किए जाते हैं रिड्यूसिंग कॉस्ट एंड टाइम फॉर डेवलपमेंट, रिड्यूसिंग कॉस्ट एंड टाइम फॉर डेवलपमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डिवाइसेस मेजर गैसेस और लिक्विड, तो गैसेस और लिक्विड को आपको प्रेशर सेंसर के माध्यम से आप उसको मेजर कर सकते हैं, विच डिवाइसेस मेजर गैस एंड लिक्विड प्रेशर सेंसर, ठीक है, याद रखिएगा। विच सेंसर मेजर द प्रेशर रिलेटिव टू परफेक्ट वैक्यूम, तो देखिए कौन सा सेंसर जो आपका मेजर कर रहा है प्रेशर रिलेटिव टू परफेक्ट वैक्यूम भी उसका जो है वो मेजर करेगा, तो एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर, ठीक है, सेम है वही, ठीक है, प्रेशर सेंसर लेकिन एब्सोल्यूट, क्योंकि परफेक्ट वैक्यूम उसका चाहिए हमें, तो उसके लिए एब्सोल्यूट प्रेशर हमको चाहिए होगा, ठीक है। विच एक्सिस एक्सेलेरोमीटर इज मोस्टली यूज इन IoT 3 एक्सेस, क्या हो जाएगा, थर्ड एक्सेस बोल सकते हैं या 3 एक्सेस आप इसको बोल सकते हैं। विच एक्सेस एक्सेलेरोमीटर इज मोस्टली यूज इन IoT 3 एक्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है गायरोस्कोप इज यूज फॉर, गायरोस्कोप जो आपका यूज किया जाता है गेमिंग में यूज करता है, आपने देखा होगा आपके जो मोबाइल वगैरह हैं
उसमें आपकी जो स्क्रीन है उसमें जो सेंसर लगा होता है, जैसे कि मान लो कोई बाइक रेसिंग या कार रेसिंग आप मोबाइल में खेल रहे हैं, आप उसको लैंडस्केप मोड पर रखें तो आप उसको जिस प्रकार जिधर भी इधर घुमाते हैं तो वो आपकी बाइक और कार भी मूव करती है। तो उसमें क्या होता है, गायरोस्कोप सेंसर आपका लगा होता है। IaaS स्टैंड फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एस ए सर्विसेस, इंफ्रास्ट्रक्चर एस ए सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर एस ए सर्विस, ठीक है। LTP स्टैंड फॉर होता है लीन ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, लीन ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। देखिए नए नए क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं तो उसको आप जो आगे वाले बच्चे हैं उनकी तैयारी यहाँ पे इजीली हो सकती है। व्हाट डस GPIO स्टैंड फॉर, देखिए पूछा गया GPIO का जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट, GPIO का फुल फॉर्म होता है जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, देखिए इस दी मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा, प्राइमरी डेटा कलेक्टिंग करने का प्रोसीजर क्या होता है, ऑब्जर्वेशन सर्वे इंटरव्यू, तीनों के माध्यम से आप कर सकते हैं, इसलिए ऑप्शन इसमें बन जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। कम्युनिकेशन बिगेन विद आइडिया ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। कम्युनिकेशन आपका जो स्टार्ट होता है किसी प्रकार का कोई विचार होता है किसी संस्थान का, उसके माध्यम से स्टार्ट होता है, तो आइडिया ऑर्गेनाइजेशन इसमें ऑप्शन बनेगा। ए स्टडी ऑफ द कल्चर एंड प्रैक्टिसेस इन डिफरेंट सोसाइटी इज कॉल्ड एंथ्रोपोलॉजी, क्या बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी, यानी कि आप स्टडी कर रहे हैं किसी भी अदर किसी कल्चर को, उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं डिफरेंट सोसाइटी को, तो उसको हम लोग बोलते हैं, जैसे कि यहाँ आप वेस्टर्न कल्चर अगर फॉलो कर रहे हैं तो उसको, या उसको रीड कर रहे हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है आपका। अब देखिए यहाँ पे सी लैंग्वेज के कुछ स्टेटमेंट आए हैं। व्हाट इज द करेक्ट सिंटेक्स फॉर लूप के लिए, अगर हमको लिखना है तो हम लिखेंगे फॉर इनिशियलाइजेशन और उसमें लिखेंगे कंडीशन और इंक्रीमेंटो पेरेशन, ठीक है। आपका इंक्रीमेंटो डिक्रीमेंट होता है वो लिखेंगे, तो सिंपल सा इसमें हम स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट होगा जैसे कि फॉर में इनिशियलाइजेशन है, कंडीशन है और इंक्रीमेंट जो भी है वो इसमें लिखेंगे, तो ये कंडीशन जहाँ पे आपको दिखे ऑप्शन में ऑप्शन ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए यहाँ पे एक प्रोग्राम पूछा गया है, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द गिवन प्रोग्राम इंक्लूड, देखिए पूरा प्रोग्राम लिखा हुआ है और इंटीजर आई इक्वल टू 0 दिया है, फॉर आई प्रिंट कर रहा है हेलो, ठीक है, रिटर्न 0 लिखा हुआ है। देखिए इसमें क्या ऑप्शन है वो बनना चाहिए, तो क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए पहले लिखा हुआ है प्रिंट हेलो कर रहा है रिटर्न 0, ठीक है, और ऑप्शन देखिए इसमें हमने डी टिक किया हुआ है, कंपाइल टाइम एरर आएगी। कंपाइल टाइम एरर क्यों आएगी, क्योंकि देखिए फॉर लूप जो है यहाँ पे ये क्लोज नहीं है, तो इसके बाद क्या होगा, प्रोग्राम जो है आपका कोई भी आउटपुट नहीं देगा। यही अगर यहाँ पे फॉर लूप में अगर हमारा आई के साथ इस प्रकार से सेमी कॉलन लगे होते अंदर, ठीक है, जैसे कि आपको अभी हमने स्टेटमेंट दिखाया, तो क्या होता है ये हेलो जो है इनफिनाइट टाइम जो है आपका वो प्रिंट होता रहता बिना रुके, ठीक है। अगर क्योंकि यहाँ पे देखिए ब्रैकेट के अंदर कुछ लिखा नहीं है, ठीक है, फॉर के साथ जो है हमेशा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट या फिर आई इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू या इस प्रकार से वैल्यू दी जाती है, इसमें कोई वैल्यू दी नहीं गई है, जिस कारण से ये आपका जो है कंपाइल टाइम एरर आपको देगा। अगर इसके अंदर ज़रा सा भी अगर हम इस प्रकार से लिख देंगे कॉमा आपके दो, तो देखिए यहाँ पर हमें लिखा भी हुआ है फॉर, अगर इसको यूज़ कर लेंगे तो ये आपका हेलो जो है इनफिनाइट टाइम प्रिंट कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द वे टू सडनली कम आउट फॉर अ क्वाइट लूप, तो क्वाइट लूप के लिए ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ कर लेंगे, आपका लूप जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा। कई बार पूछा गया है, चूज अ करेक्ट सी स्टेटमेंट, अब देखिए वही क्वेश्चन यहाँ पूछ लिया, फॉर लूप का देखिए कंडीशन यहाँ पे लगाया जो मैंने ऊपर आपको लगाने के लिए बोला, तो इसका मतलब होता है ये आपका फॉर लूप को इनफिनाइट टाइम आपका जो है प्रिंट कर देगा, ठीक है, इनफिनाइट टाइम प्रिंट कर देगा, क्योंकि अंदर कोई वैल्यू नहीं दी गई है कि यहाँ पे स्टॉप होना है, कोई पैरामीटर नहीं दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम इंटीजर ए इक्वल टू 10, बी सी लिखा हुआ है और ए बी इक्वल टू ए प्लस प्लस है एक बार, ठीक है, तो ए प्लस प्लस है यहाँ पे, तो 10 की जो वैल्यू है प्लस प्लस होगी तो यहाँ पे हो जाएगा, पहले तो 12 प्रिंट हो जाएगा और फिर देखिए प्लस प्लस ए लिखा हुआ, तो ये फिर जब माइनस में रिवर्स होगी आपकी वैल्यू तो दो बार रिवर्स हो जाएगी, तो दूसरी बार में जो प्रिंट होगा फिर 10 प्रिंट हो जाएगा, फिर जब यहाँ पे 10 आएगा और फिर यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा ए प्लस प्लस का, देखिए दो ही कंडीशन है, तो तीसरी बार जो होगा फिर से यहाँ पे आपको 10
12 प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अभी आपका 10 था दूसरी बार में, और फिर ये यहाँ पे जाएगा ए प्लस प्लस में, फिर ये 12 आपको प्रिंट कर देगा। तो 10 पहले प्रिंट होगा 12, फिर 10, फिर 12, तो देखिए ये वाला ऑप्शन बन जाएगा। कंडीशन इजी है, सबसे पहले यहाँ पे आप 10 रखेंगे तो ये आपको 12 प्रिंट कर देगा, फिर देखिए इसमें आएगी वैल्यू तो ये आपको 10 प्रिंट कर देगा, फिर ये आपके लूप इसमें जाएगा तो फिर आपको 12 कर देगा। ठीक है, इस प्रकार से ए बी सी का मान आपको मिल जाएगा। उसके बाद देखिए पूछा गया है एब्रीविएशन स्काई का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है ए फंक्शन विच कॉल इट्सेल्फ इज ए कॉल्ड ऑफ फंक्शन रिकर्सिव फंक्शन। ठीक है, फंक्शन आपका जो होता है सी लैंग्वेज में वो होता है आपका, जिसको कि हम लोग कॉल करते हैं ऐसे, रिकर्सिव फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बाइनरी ऑपरेटर, तो ये आपका है एक्सप्लेनेशन मार्क जो होता है आपका बाइनरी ऑपरेटर के रूप में यूज़ किया जाता है। मेरे मन से लास्ट क्वेश्चन है आप हमारे पास, द कंडीशनल ऑपरेटर आल्सो नोन एज टेनरी ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर को हम टेनरी ऑपरेटर के नाम से भी जानते हैं। तो इतने क्वेश्चन हैं मेरे पास जो प्राप्त हुए हैं अलग अलग जगह से, मेरे मन से 20-25 क्वेश्चन तो मैंने आपको यहाँ पर समझाई दिए। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन आज जो हैं डिस्कस किए गए हैं एग्जाम में, और इजी भी है, थोड़े से हार्ड भी हैं, बाकी जो और क्वेश्चन हमारे पास नहीं मिले, लेकिन 100 क्वेश्चन मिल पाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट टाइम तक आपको सारे क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएं और एग्जैक्ट क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएँ जो कि आपके पेपर में पूछे जा रहे हैं। तो उसके लिए आप लोगों को कंटिन्यू चैनल बने रहना होगा, सब्सक्राइब करना होगा, जिससे कि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।